बैटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कप सूजी या रवा ले रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी आधा कटोरी दही। ध्यान दीजिए कि दही ज़्यादा मत डालिएगा, वरना स्पेशली उत्तपम बनाते वक्त वो फटेंगे। व्हेन यू फ्लिप देम ओवर ऑन द तवा दे विल फॉल अपार्ट। इसको कर दीजिए मिक्स। थोड़ा सा पानी डालिए, सूजी बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करती है। ये मिक्स हो गया है, अब इसमें डालते हैं एक चम्मच जीरा, कुछ कड़ी पत्ते हैं यहाँ पे जो मैं हाथों से ही तोड़ के डाल दूंगी, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, गाजर कद्दूकस किया हुआ। आप इसमें अपने मनपसंद की सब्जियां डालिए। बारीक कटा हुआ धनिया, इसको वापस से एक बार कर दीजिए मिक्स। अगर किसी दिन आप जल्दी में हैं तो सिर्फ प्याज डाल के भी आप इसे बना सकते हैं। आज मैं सारे वेजिटेबल्स डाल के इसे बनाना बता रही हूँ। इसमें आप चाहें तो स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं, कद्दूकस की हुई कैबेज भी डाल सकते हैं यानी कि पत्ता गोभी, उबले हुए मटर डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं बारीक काट के, या मोरिंगा लीव्स भी डाल सकते हैं यानी कि ड्रमस्टिक के जो पत्ते आते हैं, मेथी भी डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप सब्जियां डालिए। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। ये लग रहा है कि बहुत पतला हो चुका है लेकिन नहीं, अभी जब हम इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, रेस्टिंग टाइम देंगे, तो ये वापस से गाढ़ा हो चुका होगा। इसमें डालती हूँ मैं नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च, और इस बैटर को अब हम छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए और उसके बाद इसे बनाएंगे हम। आधे घंटे के बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो बैटर कुछ इस तरीके का है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, ये बहुत फ्री फ्लोइंग नहीं है, थोड़ा सा थिक है, हमें इसी तरीके का चाहिए। अगर आपका रवा का बैटर थोड़ा सा भी इससे ज़्यादा थिक हो जाता है तो आपको पानी डाल के उसे एडजस्ट करके इस कंसिस्टेंसी में लाना होगा। ऑल राइट, तो बैटर हो गया है रेडी। सबसे पहले रवा टोस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे दो स्लाइसेस ब्रेड के ले रही हूँ, इसके ऊपर मैं ये बैटर स्प्रेड कर दूंगी। आप कोई भी ब्रेड अपने मनपसंद की यहाँ पे ले सकते हैं। इसे सेकने के लिए मैंने यहाँ पे तवा गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तवा गर्म होगा मैं इस पे ड्रिजल करूंगी थोड़ा सा ऑयल, और जो रवा वाला साइड है, जो हमने ब्रेड पे रवा स्प्रेड किया है बैटर, वो रवा वाला साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरीके से। पहले हम बैटर वाला साइड सेकेंगे। ये दूसरी स्लाइस भी मैंने तवे के ऊपर रख दी है, इसे हम सिकने देंगे, नीचे से क्रिस्प होने देंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे तभी इन्हें पलटेंगे। अगर आप उससे पहले इसे पलटने की कोशिश करेंगे तो जो बैटर है वो ठीक से तब तक पका नहीं होगा, तो वो आपके स्पैचुला पे भी लगेगा और चिपकेगा आपके तवे के ऊपर। एक बार जब ये नीचे से क्रिस्प हो जाए तो मैं ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, और अब मैं इन्हें पलट दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको अच्छे से क्रिस्प कर लूंगी, एंड वंस डन फ्रॉम बोथ द साइड्स मैं इसे सर्व करने के लिए निकाल लूंगी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से दोनों तरफ से सिक गया है। इन्हें आप अपने मनपसंद की चटनी के साथ या फिर केचप के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं आज इन्हें कोकोनट की चटनी या नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अब रवा उत्तपम बनाने के लिए मैंने सेम तवे के ऊपर मैं ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ, इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। सेम बैटर का यूज करेंगे और मैं ये बैटर अब तवे के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। मैं आज मिनी उत्तपम्स बना रही हूँ तो मैं साइज इनका छोटा रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसका साइज एडजस्ट कर लीजिए जैसे भी आपको पसंद हो। ये थोड़े से मोटे ही बनते हैं और क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी सब्जियां डाली हैं तो ये पतले तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ये थोड़े से थिक ही रहेंगे। सेम तरीका है इसको भी बनाने का, जब अब ये नीचे से पक जाएंगे तभी हम इसको पलटेंगे, उससे पहले पलटने की कोशिश नहीं करेंगे।
वरना ये खराब हो जाते हैं। नीचे से चेक कर लीजिए, ये देखिए नीचे से इसने तवे के साइड छोड़ दिए हैं। दिस इज ऑल्सो द इंडिकेशन कि वो नीचे से पक चुका है। अब मैं यहाँ पे ऊपर भी ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ। और हम इसको अब केयरफुली फ्लिप कर देंगे। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो ध्यान से इसे फ्लिप कीजिएगा, टूटने का डर रहता है। अब दूसरी तरफ से भी वैसे ही क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट के ऊपर सर्व करने के लिए। इनको भी आप सर्व कीजिए अपने मनपसंद की चटनी के साथ, या फिर इवन यू कैन टेक सांबर विद दिस। आज मैं इनको भी नारियल की चटनी के साथ ही सर्व कर रही हूँ। अब रवा के अप्पे बनाने के लिए मैं सेम बैटर यूज करूंगी, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले इसमें मिलाऊंगी आधा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट या बेकिंग सोडा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे एक ही डायरेक्शन में। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेकिंग सोडा या इनो मिलाने के बाद हमें ये बैटर बहुत ज्यादा देर तक रखना नहीं है। तुरंत इसे मिक्स करने के बाद हम ये बैटर यूज करेंगे बनाने के लिए। और इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे अप्पे पैन रख दिया है गरम होने के लिए। हर मोल्ड में मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करूंगी। ऑयल को आप अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए या इस तरीके से पैन को स्वर्ल कर लीजिए। अब एक एक चम्मच भर के हम बैटर हर मोल्ड में डाल देंगे। पूरा मोल्ड मत भरिएगा, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये थोड़े से फूलेंगे बनने के बाद। और पहले आउटर मोल्ड्स में ही डालिए क्योंकि इनर मोल्ड्स का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है, तो बाहर वाले मोल्ड्स में पहले बैटर फिल कीजिए और उसके बाद अंदर वाले मोल्ड्स में फिल कीजिए। इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे हम ढक के। बीच में चेक करते रहिए। अब ये ऊपर से ड्राई दिख रहे हैं इसलिए हम इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। और अब इनको फ्लिप कर दीजिए, पलट दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन नीचे से हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी इसको अच्छे से पका लेंगे। बेसिकली हर साइड से इसे अच्छे से कुक होना है। अब दूसरी तरफ से भी इन्हें हम पकने के लिए छोड़ देंगे और कुछ 2-3 मिनटों के बाद देखेंगे। जब आप इन्हें चेक करेंगे और दोनों तरफ से ये अच्छे से पक चुके हैं तब ये टाइम है इन्हें बाहर निकालने का और सर्व करने का गर्मा गर्म। आज इनको भी मैं सर्व कर रही हूँ नारियल की चटनी के साथ। आप इन्हें भी एंजॉय कर सकते हैं सांबर या अपने मनपसंद की चटनी या केचप के साथ। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दीज परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपीज मेड फ्रॉम रवा और सूजी। डू ट्राई देम आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये कैसी बनी। थैंक यू फॉर नाउ, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन सून। बाय बाय।